भारत में सड़क दुर्घटनाएं किलर साबित हो रही हैं। सड़क हादसों की वजह से हर साल हजारों लोग काल के गाल में समा रहे हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े डरावने हैं। यहां पर हर घंटे सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो रही है, जबकि देश में हर 60 मिनट में सड़क हादसे रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इन आंकड़ों को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने जारी किया है। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े सहेजने वाली राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अनुसार देश में साल 2019 में 437,396 सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 154,732 लोगों की मौत हुई, जबकि 439,262 अन्य लोग घायल हुए। NCRB के आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ओवर स्पीडिंग का रोमांच मौत का सौदा बन रहा है। 2019 में कुल सड़क हादसों में 59.6% हादसे तेज गति से वाहन चलाने की वजह से हुए। इस वजह से 365 दिनों में 86,241 लोगों की मौत हुई, जबकि 271,581 लोग घायल हुए। चिंता की बात यह है कि सड़क दुर्घटनाएं सरकारी कोशिशों को धता बताते हुए हर साल बढ़ रही हैं। वर्ष 2018 में सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या 152,780 थी, जबकि 2017 में ये आंकड़ा 150,093 था। साल 2019 में सड़क हादसों में 154,732 लोगों की मौत हुई। NCRB के अनुसार ओवरटेकिंग खतरनाक अथवा लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से 26% हादसे हुए। इसकी वजह से 2019 में करीबन 50,000 लोगों की मौत हुई और लगभग 1,00,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन इसी बीच सवाल यह उठता है कि लोगों को ओवर स्पीडिंग, गलत ओवरटेकिंग और रैश ड्राइविंग के प्रति जागरूक कैसे किया जाए। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने तरीकों से योजनाएं बनाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन राजस्थान के स्थानीय लोगों ने इस मामले में एक अनोखा तरीका निकाला है। यहां लोगों ने सड़क हादसों में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को ही सड़कों और मोड़ों पर प्रदर्शनी के तौर पर खड़ा कर दिया है, जिससे हर कोई आने जाने वाला क्षतिग्रस्त वाहन की हालत देखकर अपने वाहन और खुद पर कंट्रोल रखता है और गलत ओवरटेकिंग और ओवर स्पीडिंग से बचने की कोशिश करता है। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं मैं आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, पूरे देश में भारत सरकार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है और विभिन्न तरीकों से लोगों को ट्रांसपोर्टेशन और सड़क यातायात के नियम जो है बताती है। स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक में बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन के नियम सिखाए जाते हैं ताकि सड़क सुरक्षा जो है वो पुख्ता हो सके, लोग सड़क हादसों में अपनी जान न गंवाएं और हादसों से बचें। लेकिन एक नायाब तरीका हमने राजस्थान के हनुमानगढ़ से गंगानगर जाने वाले रास्ते पर देखा है। वो नायाब तरीका स्थानीय लोगों ने निकाला है। यहाँ सड़क हादसों से बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ लोगों ने सड़क हादसों में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को प्रदर्शनी की तरह ऐसे मोड़ों पर लगाया है जो कर्व हैं, कट्स हैं, जहां से वाहन को ध्यान से निकलना चाहिए, जहां सड़क दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा हूं और ये हनुमानगढ़ से गंगानगर जाने वाला रास्ता है और मेरे पीछे प्रदर्शनी के तौर पर एक ऐसी जीप जो कभी हादसे का शिकार हुई थी वो प्रदर्शनी के तौर पर लगाई हुई है ताकि लोग जागरूक रहें कि सड़क पर यदि आप लापरवाही बरतेंगे और कर्व्स पर, मोड़ों पर अगर आप गाड़ी ध्यान से नहीं चलाएंगे तो ये हाल आपके साथ भी हो सकता है। आइए दिखाता हूं मैं आपको इस जीप का हाल। जी, ये काफी पुरानी जीप है और कुछ लोगों से हमारी यहाँ बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये कभी हादसा इस जीप के साथ हुआ था और चूंकि हादसे में इस जीप का जो है स्थिति जो है बहुत बुरी हो गई और इस हादसे में जान भी गई, तो लोगों को जागरूक करने के लिए इस जीप को यहाँ पर खड़ा किया गया है। बहुत पुरानी यह जीप है, महिंद्रा की जीप है और इस वक्त
इस जीप की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। इंजन भी इसी के बीच में लगा हुआ है और प्रॉपर जो है आप देख सकते हैं कि इस जीप का आज के समय के अगर दौरान इसको देखें तो ये बिल्कुल एक खस्ता हाल है, पूरी तौर पर स्क्रैप है। इसके टायर भी उसी तरीके से मौजूद हैं, हालांकि जीप पर नंबर नहीं है लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से इसको लगाया गया है और दिखाया गया है कि किस तरीके से अगर आप वाहन सही ढंग से नहीं चलाएंगे तो ये हालत जो इस जीप की हुई है वो आपके वाहन के साथ भी हो सकती है। यहाँ यह एक नमूने के तौर पर इस जीप को यहाँ खड़ा किया गया है। ये देखिए, ये एक और वाहन है, इसी रोड पर है और जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि तेज गति जीवन के लिए क्षति। आपको बता दूं कि इसके नीचे स्पेशल पिलर बनाए गए हैं इस कार के नीचे। ये हाल के कुछ सालों में दुर्घटनाग्रस्त हुई और एक्सीडेंट होने के बाद इस गाड़ी को इसी तरीके से इसकी डिस्प्ले लगा दी गई है। इस गाड़ी का जो है बचा कोचा अस्थि पिंजर है वो डिस्प्ले में लगा दिया गया है कि अगर आप तेज गति रखेंगे तो आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है। यहाँ से गुजरने वाला हर साधन, हर व्हीकल जो है इस गाड़ी को जो है देखकर ज़रूर जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इस गाड़ी को यहाँ लगाया गया है, जिस तरीके से पिलर बनाकर प्रॉपरली इसको ऊपर खड़ा रखा गया है, वो अपने आप में दूसरों के लिए एक उदाहरण है कि तेज गति से आप ऐसे हादसों का शिकार हो सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।